हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, बीपीपी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बीपीपी कहाँ से मिलेगी? बीपीपी आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी के डाउनलोड का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको डीपीपी डाउनलोड कर लेनी है। नंबर सेकंड चीज, वहाँ पे आपको टाइम टू वॉच यानी हर क्वेश्चन का टाइमिंग डाला हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, उसका सॉल्यूशन देखना है तो फर्स्ट पे क्लिक करें, उसके टाइमिंग पे क्लिक करें, क्वेश्चन जो लिखा हुआ होगा आगे डिस्क्रिप्शन में उस पे क्लिक करें, टाइमिंग पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन वन क्या कर रहा था, आपने पढ़ लिया होगा। डिस्क्रिप्शन से डीपीपी डाउनलोड करना है, क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, क्वेश्चन आपको डाउनलोड कर लेना है। डीपीपी को पहले खुद से करना है, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं आपने डीपीपी डाउनलोड करके सामने देखने लग जाए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को गिवन है नंबर वन में कि ए आर प्लस ए आर टेन, इसका सम क्या गिवन है, 18। इसका सम 18 गिवन है। सेकंड में अपने को गिवन है कि इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर डेस 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 1 अपॉन ए आर टेन इज इक्वल टू गिवन है अपने पास 6। फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला एस एन का अपन जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है। एस एन का फॉर्मूला होता है अपना ए आर रेस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये आप सबको पता होगा, है कि नहीं पता? पता है, ये सब आपको पता होगा, ये सब फॉर्मूले। तो ए की जगह क्या आ गया, यहाँ पे ए आर आ गया, आर की पावर एन तो आर आ गया, टोटल कितने आए 1 से 10 तक, तो आर की पावर एन 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, कॉमन रेशियो आर ही आएगा, ए आर को ए आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आर आएगा, तो ये आ गया इज इक्वल टू 18। आगे बढ़े यहाँ पे, इसमें देखो 1 अपॉन ए आर, ये फर्स्ट टर्म हो गई। यहाँ पे ए की जगह क्या आ गया, 1 अपॉन ए आर आ गया, आर की जगह क्या आ गया, 1 अपॉन आर रेस टू द पावर 10 हो गया माइनस 1, एंड आर की जगह क्या आ गया, 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 6। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी बच्चों, चलो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो इसको देखो, आप इसको सोल्व करें तो 1 अपॉन ए आर, ध्यान देना ये 10 आगे चला जाएगा, 1 माइनस आर 10 अपॉन, ये इधर आया 1 माइनस आर, समझना बात को आप, आर 10 नीचे आएगा, आर ऊपर जाएगा, टोटल क्या आएगा, 1 अपॉन आर 9 आएगा इज इक्वल टू 6। आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देखना, आर 10 इधर गया, ये आर उधर गया, ये आर ऊपर जाएगा, ये आर 10 नीचे आएगा, मतलब ये आर और आर 10 कैंसिल आउट होके 1 अपॉन आर 9 1 अपॉन ए आर आ गया इज इक्वल टू 6। यहां तक की पिक्चर क्लियर होगी बच्चों, फिर आगे बढ़ो, यहां तक क्लियर है? तो देखो आर 9 और ये आर मिलके आर 10 बन गए, तो इसको मैं ध्यान से थोड़ा सा वापस लिख देता हूं, क्या 1 अपॉन ए आर पावर में 10। यहां तक की कहानी समझे या नहीं समझे बच्चों? समझ गए, ये समझ गए। तो देखो फिर आगे क्या होगा, इसमें आगे ये होगा, मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन ए आर 10, यहां देखो माइनस कॉमन लिया आर 10 माइनस 1, यहां माइनस कॉमन लिया आर माइनस 1 इज इक्वल टू 6। ये पिक्चर पूरी क्लियर है ना आपके? अब देखो ये फर्स्ट अज्यूम कर लो, ये सेकंड अज्यूम कर लो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें बच्चों तो क्या होगा, अपन डायरेक्ट कर दें थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं इसमें से, क्या कि जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको इसके नीचे रखेंगे, ठीक है, वह ए आर 10 ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर 11, समझना वापस, देखो ये लाके इसके नीचे रखा है यहां पे, तो देखो आर 10 यहां आएगा, आर 10 माइनस 1 इससे कैंसिल आउट, आर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा इससे कैंसिल आउट, ये ऊपर चला गया इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ए एंड ए स्क्वायर आर की पावर 1 और 10 आर 11, 18 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आया 3, ये आया बच्चों। यहां तक की पिक्चर क्लियर, सबको समझ में आया? चलो ये समझ में आया तो बाकी की चीज मैं क्लियर कर रहा हूं एक बार, बाकी सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, ये देखो ये सब कुछ क्लियर कर देता हूं मैं, ये वाला फाइनल डिसीजन रख देते हैं अपन, जो चीज अपने पास आई बाकी सबको एक बार क्लियर कर देते हैं। पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा कि इनका मल्टीप्लीकेशन निकालना आपको, प्रोडक्ट ऑफ 10 नंबर्स, मतलब ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर डेस 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 ए आर 10, ये सब कुछ निकालना है और इसका प्रोडक्ट निकालना आपको। तो बच्चों ए कितनी टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आएगा, तो ए की पावर 10। अब सोचो आर पे पावर क्या आएगी, आर पे पावर 1, ये सारी पावर एड हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 प्लस डेस 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 10 तक आ जाएगा, ठीक है, यहां तक हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। अब सम का फॉर्मूला आपको आता है किसका, ये वाला एन नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1 बाई 2, होता ही नहीं होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के सम का
फॉर्मूला ये होता है, यहाँ एन की जगह क्या पुट करोगे, 10 10 प्लस 1 11 बाई 2 यानी 55। तो बच्चों यहां क्या हो जाएगा, 8 10 और r 55, हुआ कि नहीं हुआ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर r 11 रेस टू द पावर 5, 5 कॉमन ले लिया दोनों में से, स्क्वायर और 5 मल्टीप्लाई हो गए 10, 11 और 5 मल्टीप्लाई होके 55। बच्चों होगा कि नहीं होगा, सोचो होगा। अगर ये होगा तो मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू ए स्क्वायर आर 11 3 है, तो यहाँ 3 पुट कर दो, 3 की पावर 5 यानी 243। तो अपना आंसर क्या हो गया, 243 यानी ऑप्शन सी हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, 243। इसे नोट डाउन कर ले जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया अपन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया कि फर्स्ट 100 टर्म्स का सम क्या है, किसके बीच में आता है, 1000 10000 से ग्रेटर है S100, लेस है 10100 इसके बीच में ये नंबर दे रखा है अपन को S100। S100 मतलब सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ एन AP, ये गिवन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ये अपने को गिवन और साथ में क्या गिवन है कि T50 क्या है अपना, A प्लस 49D, यही होगा। अगर फर्स्ट टर्म मैं अज्यूम कर लूँ, A एंड कॉमन डिफरेंस अज्यूम कर लूँ D, ये दो अज्यूम कर लूँ मैं, लेट क्या अज्यूम कर लूँ, फर्स्ट टर्म है A एंड कॉमन डिफरेंस है D। तो बच्चों ये T50 क्या हो गया, T50 हो गया अपना A प्लस 49D, और ये कितना गिवन है, ये गिवन है अपने को 2 गिवन है, या T50 क्या गिवन है, 100 सॉरी T50 गिवन है अपन को 100, मतलब A प्लस 49D क्या गिवन है, 100 ये गिवन है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको, ये गिवन है। तो S100 क्या होता है, S100 का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 यानी 100 में से 1 गया तो 99 फिर D लेस देन क्या होगा 1000। बच्चों देखो दो जीरो यहां से गए, दो जीरो यहां से गए, दो जीरो यहां से गए, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 200 ग्रेटर देन, यहां क्या बचा 2A प्लस 98D प्लस D को अलग लिख दे, यहां 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 202 हो गया, मतलब पूरी इक्वेशन को दो जीरो उड़ा दो सब में से, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। यहां से देखो मैंने क्या करा, 2A प्लस 99 को 98 और D के फॉर्म में लिख दिया, ये 200 था बच्चों, 2 को कॉमन लू तो क्या हो जाएगा, A प्लस 49D प्लस D लेस देन 202, और मेरे पास A प्लस 49D क्या है, 100 है, A प्लस 49D क्या है, 100 ये गिवन है। तो यहां पे ये गिवन 100 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होके 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों सोचो, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, A प्लस 49D क्या है, 100, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, और 200 को सब में से माइनस कर लूं तो 0, यहां से 200 गया तो क्या बचेगा, D लेस देन यहां से 200 गया तो 2, और क्या गिवन है साथ में, सारे टर्म्स क्या है, नेचुरल नंबर, सारे टर्म्स नेचुरल नंबर है तो D भी नेचुरल होगा, तो D नेचुरल 0 से 2 के बीच में क्या होगा, 1 होगा, D नेचुरल है तो 0 से 2 के बीच में क्या होगा, 1 होगा। अगर D 1 है तो D यहां 1 पुट करोगे तो यहां से 1 पुट करने पे A क्या आएगा, ये 49 उधर गया तो 100 माइनस 49 यानी 51, तो A की वैल्यू क्या है बच्चों, 51, और यही पूछी थी आपको, तो A क्या हो गया, 51, आंसर क्या हो गया, C। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही आसान है दोस्तों, क्या है थर्ड में, xy = sin 2t, ठीक है, और क्या था अपने पास, x/y = tan t, x/y = tan t था और xy = sin 2t था। दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो यहां x/y आ जाएगा, है ना, इन दोनों को चलो नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो xy x/y = 2 sin t cos t, ये मल्टीप्लाई हो गया 10t, तो ये हो गया sin t / cos t। खटाक खटाक क्या आया बच्चों, x² = क्या आया, 2 sin² t, x² = क्या आया, 2 sin² t, तो x² = 2 sin² t आ गया बच्चों। चलो आगे बढ़ो, अब इसकी वैल्यू को उठा के तुम इसमें पुट करते हो तो y² = आ जाएगा 2 cos² t, पुट कर दो,
एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, चाहे इसमें कर दो या इसमें कर दो, किसी में भी दोनों तरफ स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 cos² t। दोनों को एड कर दो, एड करोगे तो आपको पता है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा। आपको क्यों आएगा पता है, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। चलो नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, नंबर 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को पढ़िए थोड़ा सा। Sn गिवन है अपने को, Sn गिवन है क्या होगा, Sn n by 2 2a plus n minus 1 और d की वैल्यू अपने को 2 गिवन है इज इक्वल टू 153 है। ये चीज अपने को गिवन है मित्रों, क्या गिवन है, ये गिवन है अपन को, ठीक है। और साथ में क्या गिवन है कि n ग्रेटर देन 1 है और n की नंबर ऑफ वैल्यूज अपन को फाइंड आउट करनी है। और आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। जो फर्स्ट टर्म a है वो एक इंटीजर है, a के बारे में एक कंडीशन गिवन है अपन को कि a क्या है, इंटीजर है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें मित्रों। देखो ये 2 इससे कैंसिल आउट और इससे कैंसिल आउट, इस 2 को यहां डिवाइड किया, यहां किया, n को उधर भेज दिया, तो a प्लस n माइनस 1, ए प्लस एन माइनस वन, 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये एन उधर गया, तो 153 डिवाइड बाई एन हुआ मित्रों। फिर आगे देखो 153 डिवाइड बाई एन और ए, ठीक है, इसको उधर भेज दें अपन, इस पूरे को उधर अगर ट्रांसफर कर दें या ए माइनस 1 लिख दें अपन, तो इजिकल टू ये उधर गया, तो 153 अपॉन एन माइनस एन हो गया। ये कंडीशन बनी, बनी कि नहीं बनी, ए माइनस 1 रख लिया, एन को उधर भेज दिया। अब बच्चों आपको पता है कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज होता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है, और 1 तो होना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 है तो 1 तो हो नहीं सकता। चलो 1 हो नहीं सकता, तो 1 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है। चलो ध्यान देना थोड़ा सा, देखो ये अपना क्या है, ये एक तरीके से नेचुरल नंबर हो गया, 1 को छोड़ दो, नेचुरल नंबर में से 2, 3, 4, 5, 6 चलेगा। ये पूरा क्या है, ये इंटीजर होगा, ए इंटीजर है, ए एलिमेंट ऑफ क्या है, आई गिवन है आपको, तो ए माइनस 1 भी क्या होगा, एलिमेंट ऑफ आई, इंटीजर होगा, तो ये भी इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, तो बच्चों ये भी क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा, तभी तो इंटीजर पॉसिबल है। ये इंटीजर होगा, ये पहले से क्या है, ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एन एलिमेंट ऑफ एन नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है तो इसको इंटीजर होना पड़ेगा, 153 अपॉन एन को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि 153 अपॉन एन को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। तो बच्चों इसको इंटीजर होना पड़ेगा, तो ये इंटीजर होगा तो सोचो 153 का अपन फैक्टराइजेशन कर लो, क्या होगा, 3 × 3 × 17, ये होता है 153 का फैक्टराइजेशन। 153 का फैक्टराइजेशन आपने किया तो क्या होता है, 3 × 3 × 17, 79 × 153। इसका मतलब जो n होगा, ये n क्या क्या हो सकता है बच्चों, n हो सकता है 3 हो सकता है, n 9 हो सकता है, सोचो 3 अकेला लो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो, 3 × 17 ले लो, 51, ठीक है, फिर क्या ले लो, 3 को अकेला लिया अपन ने, 3 को ऐसे लिया, 51 हो गया, अब 9 × 51 153 भी ले लो इसको, ठीक है, और क्या ले सकते हो सोचो, देखें आप सोचो, 17 भी ले सकते हो, अकेला 17 ले लो, ये 17 ले लिया अपन ने अकेला, तो देखो 3 अकेला ले लो, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 ले लो, 3 और 17 का मल्टीप्लिकेशन 51, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन 153, 17 को अकेला ले लो 17, तो बच्चों आपके पास बहुत सारी कंडीशन बन जाएगी, कितनी कंडीशन बन जाएगी, बहुत सारी कंडीशन आपके पास। चलो आवाज आ रही होगी, एक बार माइक का कनेक्शन कट हो गया था, तो बहुत सारी कंडीशन आपके बनती जाएगी। चलो आगे बढ़े, तो दोस्तों यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर होगी, ठीक है, तो आपको पता लग गया टोटल कितनी वैल्यू ले सकते हो, 5 वैल्यू ले सकते हो, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी आंसर हुआ, ऑप्शन सी आंसर हुआ। कॉम्प्रिहेंशन की ओर बढ़ते हैं, ये नोट डाउन करें आप। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कॉम्प्रिहेंशन की ओर। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही आसान है ना, आपको टफ लगा होगा, टफ नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान है। देखो 4p² था माइनस 6q माइनस 9 माइनस q² इज इक्वल टू 0, या फिर इन सबको उधर सामने की तरफ ले जाओ। चलो ऐसा कर लो, 4p² इन सबको सामने की ओर ले जाओ, q² प्लस 6q है ना प्लस 9, ऐसे लिख लो,
ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लिख लिया आपने, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो देखो ये क्या हो गया, क्यू प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो गया, एंड ये क्या हो गया, टू पी का होल स्क्वायर हो गया। तो टू पी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस थ्री होगा बच्चों, लेकिन आपको गिवन क्या है कि पी क्यू एलिमेंट ऑफ आर प्लस, यानी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव होने के लिए माइनस को रिजेक्ट करना पड़ेगा, प्लस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि पी क्यू एलिमेंट ऑफ आर प्लस है। और क्या क्या कंडीशन पूछी है आपको, पी क्यू ये आ गया, टू पी इज इक्वल टू क्यू प्लस थ्री आ गया अपने पास, और आपको गिवन क्या क्या है, नीचे चलते हैं आपको, और साथ में गिवन है कि एक इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक, एक्स क्यूब और कहाँ गई इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन आपको गिवन है बच्चों, दिखाई दे रही होगी आपको। चलो थोड़ा सा मैं कैमरे को घुमा देता हूँ, ये लो अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आपको काफी टफ लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान था। यहां से अपन पी की वैल्यू को उठा के वहां क्यू की जगह पुट कर दें, या क्यू की वैल्यू को निकाल के पी की जगह पुट कर दें, मतलब दोनों को या तो पी में लेके आ जाओ या क्यू में लेके आ जाओ। चलो मैं क्यू की वैल्यू पुट कर देता हूं, माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, माइनस टू इक्वल टू जीरो, माइनस टू इक्वल टू जीरो था, इक्वल टू जीरो को थोड़ा सही से लिख देते हैं अपन। और यहां पे जो x q की वैल्यू क्या थी, 2p माइनस थ्री, तो q की वैल्यू यहां पुट कर दो 2p माइनस थ्री, इसको क्लियर करके ढंग से लिख देते हैं थोड़ा। तो ये हो गया माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। बच्चों आगे बढ़े, यहां तक की पिक्चर आपकी क्लियर होगी पूरी की पूरी। अब देखो इसमें क्या होता है, क्यूबिक को सोल्व करने का वही तरीका, क्या जीरो पुट करो, फिर वन पुट करो, फिर टू पुट करो, माइनस वन माइनस टू थ्री माइनस थ्री, और चेक करो किस पे जीरो होता है। तो बच्चों जैसे ही मैंने टू पुट किया यहां पे, तो देखो टू पुट करने पे क्या हुआ, एट, यहां टू पुट किया तो माइनस फोर पी, यहां टू पुट किया तो क्या हो गया प्लस फोर पी, यहां टू पुट किया तो क्या हुआ माइनस सिक्स, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये दो कैंसिल आउट इससे, ये कैंसिल आउट इससे, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, x इजिकल टू टू इसका एक रूट हुआ, तो x इजिकल टू टू इसका एक रूट है। बच्चों देखना क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर पूरा आईआईटी वाला दिमाग लगवाएगा आपसे, पूरा का पूरा आईआईटी वाला, है ना, जो आपके पास होगा। x इजिकल टू टू यानी क्या गया, गामा इजिकल टू टू आ गया, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट क्या थे, गामा साइन एल्फा कोस बीटा, है ना, पूरा आईआईटी वाला दिमाग लगाना है अपन को पूरा का पूरा, ये साइन गामा साइन अल्फा कोस बीटा। अब देखो यहां से अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या होगा, साइन अल्फा कोस बीटा डॉट गामा क्या है टू इज इक्वल टू, माइनस लगेगा यहां पे तो टू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूं इस इक्वेशन के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कोस बीटा टू इज इक्वल टू टू, क्योंकि गामा इज इक्वल टू टू आ गया अपने पास, समझे, क्योंकि गामा इज इक्वल टू टू होगा, कोस अल्फा और साइन बीटा तो टू हो नहीं सकते, तो गामा ही होगा टू, बात समझे, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया यहां से, साइन अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू वन। बच्चों थोड़ा ध्यान से सोचो, साइन अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू वन आया, क्या पॉसिबिलिटी है, साइन अल्फा कोस बीटा इक्वल टू वन आया तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो, मैक्सिमाइज हो, यानी साइन अल्फा भी वन हो और कोस बीटा भी क्या हो, वन। तो बच्चों पूरी पिक्चर क्लियर होगी, साइन अल्फा वन कोस बीटा वन, और गामा क्या हो गया, गामा हो गया तुम्हारा टू। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी प्लस क्यू की, पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर वन और सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर वन पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहां से, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा प्लस पी, तो ये क्या हो गया, वन प्लस टू इज इक्वल टू पी, यानी पी इज इक्वल टू फोर हो गया, पी इज इक्वल टू फोर को यहां पुट किया एट, थ्री इधर आया तो फाइव, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया फाइव, तो पी प्लस क्यू क्या हो गया नाइन हो गया, कितना आसान था, p प्लस क्यू क्या हो गया नाइन हो गया। और दोस्तों दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर कोसेक अल्फा सेक बीटा एंड वन अपॉन गामा, तो बच्चों ये भी बहुत आसान हो गया, कोसेक अल्फा तो वन ही हो जाएगा, सेक बीटा भी वन हो जाएगा, और वन अपॉन गामा वन बाई टू, तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, आसानी से आप लिख सकते हो, क्या इक्वेशन होगी, चलो मैं घुमा देता हूं थोड़ा कैमरा, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप इधर देख लो, है ना, तो क्या होगा बच्चों, देखो कोसेक वापस देख लो, कोसेक अल्फा नंबर सिक्स क्वेश्चन, कोसेक अल्फा वन हो जाएगा, सेक बीटा भी वन हो जाएगा, यहां से देखो साइन अल्फा तो कोसेक अल्फा वन, सेक बीटा भी क्या होगा वन, और गामा क्या होगा वन बाई टू, तो एक्स माइनस वन
का होल स्क्वायर एंड x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। इसको सोल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आएगा। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन बी। अब सोल्व करना मैंने आप पे छोड़ा, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करके 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। तो बताओ बच्चों, क्वेश्चन मजेदार था, बिल्कुल आसान था, लेकिन लगा कितना टफ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो जेई का बस यही है, जेई में क्या होगा, आईआईटी में क्वेश्चन लगेगा टफ पर निकलेगा आसान। ऐसे ही आगे के दो क्वेश्चन है, लगते टफ है पर है बहुत आसान। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस डीपीपी को तुम बोल सकते हो कि मतलब जैसे जीनियस डीपीपी है ना, जो ये डीपीपी थी इसको नाम दे सकते हो तुम क्या, जीनियस डीपीपी। ये बड़े जीनियस वाले क्वेश्चन है, लगते टफ है लेकिन है बहुत आसान, मतलब बोल सकते हो इसको जीनियस डीपीपी को। तो जीनियस डीपीपी में देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सेक पाई बाई 7, थोड़ा मैं चेंज करके लिख देता हूँ, 1 अपॉन कोस पाई बाई 7, 1 अपॉन कोस 3 पाई बाई 7 एंड प्लस 1 अपॉन कोस 5 पाई बाई 7। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना, आपने इसमें क्या निकाला होगा, कैसे किया होगा, बहुत कम बच्चों का हुआ होगा पक्का, है ना, क्योंकि क्या होता है तुम क्वेश्चन को देख के अपीयरेंस से ही डर जाते हो, है ना। मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया, कोस पाई बाई 7, कोस 3 पाई बाई 7, कोस 5 पाई बाई 7, ये हो गया। उसके बाद ऊपर क्या आया, ये जैसे गया इससे तो ये दोनों ऊपर आ गए, कोस 3 पाई बाई 7, कोस 5 पाई बाई 7 प्लस, इसको डिवाइड किया तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, कोस पाई बाई 7, कोस 5 पाई बाई 7 प्लस, क्या धमाका हुआ, मोबाइल गिरने की कगार पे था पर गिरा नहीं। चलो अपन ने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, मोबाइल को गिरने नहीं देंगे। कोस 5 पाई बाई 7 ये डिवाइड किया तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, कोस पाई बाई 7 और कोस 3 पाई बाई 7, ये आ गया बच्चों। ये पिक्चर यहाँ तक क्लियर हुई आपके, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में करने वाला हूँ, आप कहेंगे सर ये क्या किया आपने, इतना आसान क्वेश्चन था, है ना बेटा, क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, है ना। अब देखो, चलो मैं ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे लिखना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखो, अब देखो ये 3 पाई बाई 7 को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 पाई बाई 7 क्या लिख सकते हो ऐसे, सोचो सोचो सोचो, लिख सकते हो ऐसे। चलो 5 पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हो, 5 पाई बाई 7 को लिख सकते हो पाई माइनस 2 पाई बाई 7, लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब दोनों तरफ कोस लोगे, यहां पे भी कोस लोगे और यहां पे भी कोस लोगे, ठीक है, यहां पे भी कोस लोगे और इधर भी कोस लोगे, इसके भी कोस लोगे, इसका भी कोस लोगे, तो सामने क्या आ जाएगा, माइनस कोस 4 पाई बाई 7 एंड यहां क्या आ जाएगा, माइनस कोस 2 पाई बाई 7, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आएगा। चलो ये पिक्चर क्लियर सबके, तो यहां देखो बच्चों मैं क्या लिख दूं, कोस पाई बाई 7, फिर 3 पाई बाई क्या हो गया माइनस, और 5 पाई बाई क्या हो गया माइनस, दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोस 2 पाई बाई 7 एंड कोस 4 पाई बाई 7, ध्यान देना बच्चों, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा मैंने चमत्कार करा, क्या चमत्कार करा, मैंने उठाया किसको, 8 साइन पाई बाई 7, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर कर दिया 8 साइन पाई बाई 7, ये कर दिया, कर दिया। दोस्तों ध्यान रखना, 8 पाई बाई 7 को यहां 4 लिखा और 2 था उसको अंदर भेज दिया, 2 कोस 3 पाई बाई 7 कोस 5 पाई बाई 7, सुनना साथ के साथ करते जा रहा हूं, ये वाली पिक्चर तो यहां से क्लियर हो गई होगी, इसको तो मैं यहां से गायब कर रहा हूं क्योंकि इतनी जगह अपने पास नहीं है, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, और मैथ्स में क्वेश्चन उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना, ये जगह कर ली हमने, ठीक है, हिंदुस्तान में यूं ही चलता है। चलो आगे बढ़े, तो फिर अपन ने क्या करा, यहां 8 से मल्टीप्लाई करा तो वो 8 में से 2 को अंदर भेज दिया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, कोस ए प्लस बी, मतलब 8 पाई बाई 7 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस किया तो कोस 2 पाई बाई 7 प्लस, यहां 2 कोस ए कोस बी क्या हो गया, फॉर्मूले लगाते जाओ 2 कोस ए कोस बी का फटाफट, 2 कोस ए कोस बी यानी कोस 6 पाई बाई 7 प्लस कोस 4 पाई बाई 7, माइनस किया तो आगे बढ़ो प्लस, इन दोनों से देखो 2 कोस ए कोस बी तो कोस 4 पाई बाई 7 और माइनस किया तो कोस 2 पाई बाई 7, ये आया बच्चों, ये अपनी पूरी पिक्चर क्लियर हुई, हुई कि नहीं हुई। अब देखो यहां पे क्या हुआ, डबल 8 हो गया, दोनों मिल गए, 4 पाई 4 पाई ये भी डबल 8 हो गया,
सिक्स पाई बाई सेवन और एट पाई बाई सेवन, थोड़ा सा जुगाड़ देखो, सिक्स पाई बाई सेवन, एट पाई बाई सेवन, एट पाई बाई सेवन को क्या ऐसे लिख सकते हो कि आप, कहाँ जगह है मेरे पास, यहाँ पे जगह है, दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं कलाकारी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या एट पाई बाई सेवन को क्या ऐसे लिख सकते हो आप, एट पाई बाई सेवन इज इक्वल टू टू पाई माइनस सिक्स पाई बाई सेवन, सोचो थोड़ा सा, ये मल्टीप्लाई होकर 14, 14 में से 6 किया तो 8 पाई बाई 7, तो 8 पाई बाई 7 को ऐसे लिख सकते हो, और दोनों तरफ जब कोस लोगे, इधर भी और इधर भी कोस लोगे आप, सामने भी है ना, इसका भी कोस लोगे इधर, तो क्या आएगा कोस 6 पाई बाई 7, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोस कोस लोगे तो क्या होगा 6 पाई बाई 7 आएगा, तो समझ रहे हैं बात, तो यानी कोस 8 पाई बाई 7 को आप क्या लिख सकते हो 6 पाई बाई 7 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, लिख सकते हो है ना, तो थोड़ी जगह कम पड़ गई मेरे, कोई बात नहीं, मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ मेरे को दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा, तो अब क्या हुआ देखो यहाँ 4, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना 8 था ना, 8 क्या बन गया आप 6 पाई बाई 7 बन गया, तो ये 6 पाई बाई 7 भी क्या हो गया डबलिंग हो गया, तो सारी डबलिंग हो गई, 2 बाहर ले लो डबलिंग का, तो 8 साइन पाई बाई 7 और यहाँ क्या बच गया कोस 2 पाई बाई 7 प्लस कोस 4 पाई बाई 7 प्लस कोस 6 पाई बाई 7 अपॉन में क्या आया, अब देख ध्यान देना अपॉन में सोल्व करते हैं, 2 बार आ गया, 2 बार क्यों आया, ये 2 था ये भी 2 था, ये 4 था ये भी 4 था, ये 6 था ये भी 6 था, क्योंकि 8 को अपन ने 6 बता दिया कैसे आया, तो ये 6 हो गया, ठीक है, उसके बाद देखो ये 2 बार आ गया और 2 पाई बाई 7 4 पाई बाई 6 पाई बाई 7, अब जो नीचे डिनोमिनेटर में बचा है 8, ध्यान देना थोड़ा सा, थोड़ा सा ध्यान देना, पाई बाई 7 पाई बाई 7 कोस कोस, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा, इसमें से 2 उठा लो, एक बार 2 उठाया पीछे क्या बचेगा 4, 2 साइन ए कोस बी, साइन 2 बी, मतलब साइन 2 पाई बाई 7, फिर देखो साइन 2 पाई बाई 7 कोस 2 पाई बाई 7 क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई 7 कोस 2 पाई बाई 7 साइन 4 बाई 7, साइन 4 पाई बाई 7, फिर देखना साइन 4 पाई बाई 7 और कोस 4 पाई बाई 7 साइन 8 पाई बाई 7, तो साइन सीधा नीचे क्या लिख दो 8 पाई बाई 7, समझ में आया क्या बच्चों, साइन 8 पाई बाई 7 ये समझ में आया क्या, आ गया होगा पक्का आया होगा, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, फिर कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा, साइन 8 थीटा, और ये 8 क्या हो गया, एक बार 2 इसमें आ गया, एक बार 2 इन दोनों में फिर आ गया, एक बार 3 आ गया, तो 8 गायब हो गया, 8 की कहानी समाप्त, तो बच्चों यहां तक आपको कहानी समझ में आई होगी, अभी साइन पाई बाई 7 और 2 को अंदर जाने दो, ये साइन पाई बाई 7 और 2 को अंदर जाने दो, अंदर जाके क्या धमाल करते हैं देखते हैं अपन, तो यहां से देखो 2 साइन पाई बाई 7 और कोस 2 पाई बाई 7, ध्यान से देखना बच्चों, अब ज्यादा जगह नहीं है अपने पास, थोड़ी जगह में काम चलाना पड़ेगा, 4 को तो बाहर रख लो, 2 साइन पाई बाई 7 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा कोस ए साइन बी, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, ये भी बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो कोस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा होता है उसको कोस लेते हैं, बड़ा है तो उसको पहले मान लो, कोस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, याद है आपको, चलो मैंने याद करवा दिया, 4 बाहर रखा 2 को अंदर भेजा तो यहां क्या होगा साइन ए प्लस बी, यानी 2 पाई और पाई को जोड़ दो साइन 3 पाई बाई 7 माइनस साइन ए माइनस बी, 2 पाई में से ये गया तो साइन पाई बाई 7 प्लस, फिर ये लगेगा इस पे कोस 4 और साइन पाई, तो ए प्लस बी साइन 5 पाई, साइन 5 पाई बाई 7 माइनस क्या होगा माइनस होगा इसमें से 3 पाई बाई 7 साइन 3 पाई बाई 7 प्लस, फिर आ गया, अब देखो अब आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं एंगल कैमरे का चेंज कर देता हूँ, चलो अब दिखाई देगा, फिर क्या होगा 6 वाले को लोगे तो 8 होगा तो साइन 7 पाई बाई 7 माइनस साइन 6 में से पाई गया तो 5 पाई बाई 7, दोस्तों क्वेश्चन बड़ा मस्त है, मतलब एडवांस में बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, डीपीपी में ऐसे क्वेश्चन कौन करवाता है बताओ, मेरे अलावा कौन, कोई नहीं करवाएगा आपको है ना, डीपीपी में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कोई नहीं डाल सकता, साइन 8 पाई बाई 7 को आप क्या लिखोगे पाई प्लस पाई बाई 7, क्या लिखोगे पाई प्लस पाई बाई 7, देखो इसको क्लियर कर देता हूं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं गायब कर देता हूं, इसको गायब कर देता हूं है ना, तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो देखो बच्चों आप ध्यान से देखो इसको साइन 8 पाई बाई 7, यहां देखो साइन 8 पाई बाई 7 को पाई प्लस पाई बाई 7 लिखोगे तो माइनस साइन पाई बाई 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देखो साइन पाई प्लस पाई बाई 7 माइनस साइन पाई बाई 7, तो ये माइनस हो गया यहां पे और साइन पाई बाई 7 आ गया, ठीक है बच्चों अब ध्यान से देखना 3 पाई बाई 7 से 3 पाई बाई 7 कैंसिल आउट, ठीक है 5 पाई बाई 7 से 5 पाई बाई 7 कैंसिल आउट, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है ये 7 पाई समझ लो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो साइन पाई क्या होता है जीरो, खत्म,
साइन पाई, सेवन पाई अपॉन सेवन, सेवन से सेवन कैंसिल आउट, साइन पाई क्या होता है जीरो। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? तो साइन पाई जीरो हो गया, अब कौन बचा, माइनस साइन पाई बाई सेवन, माइनस साइन पाई बाई सेवन और फोर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया क्योंकि बाकी सब तो हो ही गया, यही बचा था, ये कैंसिल आउट हो गया माइनस से माइनस, तो आंसर क्या आया फोर। तो अपना आंसर क्या आया फोर। बच्चों देखो क्या कमाल निकला है, आंसर क्या निकला है फोर, ठीक है आंसर क्या निकला है फोर। तो बच्चों ये चॉकलेट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो बच्चा कर देता है उसको चॉकलेट जरूर जरूर मिलनी चाहिए, इसे नोट डाउन करो। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इसको अज्यूम कर लो 2r माइनस 1 अपॉन 8 पाई, इसको a अज्यूम कर लो एंड सेकंड वाले को क्या अज्यूम कर लो, b अज्यूम कर लो। b क्या हो गया 2r प्लस 1 पाई बाई 8, आसान हो जाएगा थोड़ा अपने लिए, a b अज्यूम कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को अपन करना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, a b अज्यूम कर लिया। अब देखो दोस्तों अपने को क्या गिवन था, अपना क्वेश्चन क्या बन गया, अपना क्वेश्चन बन गया देखो 1 प्लस 1 प्लस 10a 10b, ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, 1 प्लस 10a 10b लिख सकता हूं क्या, समेशन था r इज इक्वल टू 1 से 4। थोड़ा सा देखो और सोचो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आपको हो सकता दिखाई नहीं दे रहा हो, मैं भी कैमरे का मूवमेंट कर देता हूं है ना, अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे बताओ r इज इक्वल टू 1 से 4, अब मैंने क्वेश्चन को देख लो, आप क्वेश्चन है आपके पास, जो 2 था 2 को मैंने दो पार्ट में तोड़ा 1 प्लस 1 और 10, फर्स्ट वाला क्या हो गया 2r माइनस 1 वाला a, सेकंड वाला क्या हो गया b, ये अज्यूम करा है तो क्वेश्चन क्या बन गया, 2 को अपन ने दो पार्ट में तोड़ दिया तो 1 प्लस 10a 10b और समेशन का साइन। अब सोचो 1 कितने टाइम्स आएगा, r इज इक्वल टू 1 से 4, 1 आएगा 4 टाइम्स, 1 कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स आएगा, तो 1 4 टाइम्स आएगा तो इस 1 को बाहर ले लो 4 और समेशन को लगा दो r इज इक्वल टू 1 से 4 1 प्लस 10a 10b। यहां तक की पिक्चर क्लियर हुई क्या आपके, ये चीज समझ में आई क्या बच्चों, बिल्कुल आई होगी क्या, आपने क्या करा 4 लिख दिया और 1 प्लस 10a 10b लिख दिया, ये पिक्चर क्लियर हुई क्या बच्चों आपके। चलो सबके हो गए है ना, ये पिक्चर सबके क्लियर होगी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन में क्या करना है, ये 1 प्लस 10a 10b, इसको देख के आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए, क्या पिक्चर आनी चाहिए भैया, क्या पिक्चर आनी चाहिए, 10a माइनस 10b, कुछ समझ में आ रहा है क्या बच्चों, 10a माइनस 10b। और थोड़ा सा मैं देख लूँ b में, हाँ b में से a माइनस करोगे तो b माइनस a करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों रहेगा आपको खुद को समझ में आ जाएगा, अभी b में से a माइनस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि पाई बाई 4 आ जाएगा, कहानी बहुत आसान हो जाएगी। और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 10b माइनस 10a, मैंने नीचे 10b माइनस 10a करा, ऊपर 10b माइनस 10a करा, बच्चों पिक्चर क्लियर हुई होगी आपकी क्या, कि ये किसका फॉर्मूला बन गया 10b माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये बन गया 10b माइनस a का फॉर्मूला, क्या बन गया बच्चों 10b माइनस a का फॉर्मूला। तो अब क्या हो जाएगा आगे क्वेश्चन, समेशन को समेशन रहने दो 1 इज 4, ये फॉर्मूला बन गया क्या 10ab माइनस a, ये 10b माइनस a बन गया और मल्टीप्लाई में क्या रह गया 10b माइनस 10a। बच्चों ध्यान से सोचो 10b माइनस a, तो b में से a माइनस करो, b में से a को सब्सट्रैक्ट करोगे पूरे को, ये a है पूरा और ये क्या है b, b में से अगर a को माइनस करोगे तो क्या आ रहा है पाई बाई 4, तो ये क्या बन जाएगा 10π/4 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा 10π/4 बन जाएगा, और 10π/4 बनते ही इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो अपना क्वेश्चन एक नए मोड पर आ गया, अपना क्वेश्चन एक नए मोड पर आ गया। ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा बच्चों, ऐसी चीज़ें आपको कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के अलावा कोई नहीं बताएगा है ना। तो देखो ये 4 प्लस, अब देखो ये 1 हो गया 10π/4, तो अपने पास क्वेश्चन क्या बचा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से 4, समेशन r इज इक्वल टू 1 से 4 10b माइनस 10a, 10b माइनस 10a ये बचा बच्चों। अब इसको मैं सोल्व करना है, बाकी मेरा सारा सोल्व हो गया है, तो 10b माइनस 10a मतलब एक सीरीज बन गई, सीरीज कैसे बनी देखो 10b माइनस 10a क्या बनेगा देखना आप ध्यान से, b क्या था ये था, तो मैं लिखूंगा 10 2r प्लस 1 पाई बाई 8 माइनस 10। अब मुझे कैमरे का थोड़ा सा मुंह चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैमरे की सहायता मुझे लेनी पड़ेगी, लो ये ले ली मैंने ठीक है। तो आगे मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 10a, a क्या था मेरे पास 2r माइनस 1 पाई बाई 8, मजा आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन में आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब हंसी आएगी आपको सोल्व होने के बाद कि भैया ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल होते हैं भाई, सीरीज बना रहा हूँ 10 की सीरीज बना रहा हूँ, सीरीज आपको मैंने पढ़ा रखी है ठीक है। अब देखना r इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, r इज इक्वल टू 1 पे ये क्या देगा, 1 पुट करने पे ये हो गया देखो 10, 1 पुट करा तो 3π/8, माइनस क्या हो गया यहाँ 1 पुट करा तो 10π/8,
फिर टू पुट करें, आर इजिकल टू टू पुट करें, आर इजिकल टू टू पुट करें बच्चों, तो आर इजिकल टू टू जैसे ही पुट कराएं यहाँ पे, टू पुट करने पे क्या हुआ, 10, 4 प्लस 1 5 पाई बाई 8 माइनस 10, यहाँ टू पुट करा तो क्या हो गया 3 पाई बाई 8। बच्चों कहानी समझ में आने लग गई आपको क्या, खटाक खटाक कैंसिल आउट होंगे, यहाँ कौन बचा लास्ट, तो यहाँ कौन बचेगा फर्स्ट, तो 4 ले लो डायरेक्ट, 3 लो ही मत, 3 को लो ही मत, 3 की कहानी समझ में आ गई कि 3 में क्या होगा, कैंसिल आउट होगा भैया और कुछ नहीं होगा। 4 में कौन सा लेंगे, देखो यहाँ कौन बचा सेकंड, तो 4 में केवल फर्स्ट वाला लिख लो वो बचेगा, बाकी से क्यों परेशान होते हैं, तो 4 में फर्स्ट वाला लिख लो, तो यहाँ पे 4 लिखा, फर्स्ट वाला क्या आएगा 8 और 9, तो 4 में आएगा 10 9 पाई बाई 8 माइनस, यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ अगर ये बचा तो यहाँ फर्स्ट बचेगा, ये बचेगा, तो फर्स्ट में 4 पुट किया अपन ने, फर्स्ट वाला लिख लिया, 4 पुट किया तो 8 प्लस 1 9 पाई बाई 8। बच्चों दो चीजें बची, इस पूरे का सम क्या आएगा, इस पूरे का सम आएगा आपके पास 4 प्लस, क्या आएगा 4 प्लस, बच्चों क्या आएगा 4 प्लस 10 भी माइनस 10 है आपके पास, क्या आएगा 10 पाई बाई 8 और 10 9 पाई बाई 8, तो 10 9 पाई बाई 8 माइनस 10 पाई बाई 8। ये कहानी आई बच्चों, अपन लास्ट तक चले गए, बताओ ये क्वेश्चन अपन को लास्ट तक लेके गया है ना, जगह नहीं बची बोर्ड पे बिल्कुल, 4 प्लस 10 9 पाई बाई 8 माइनस 10 पाई बाई 8, ध्यान से देखना बच्चों, 10 9 पाई बाई 8 कहानी समझो, पाई प्लस पाई बाई 8, पाई प्लस पाई बाई 8 क्या हो गया 10 9 पाई बाई 8 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, नहीं अपन को दिखाई नहीं देगा, ध्यान से क्या देखें है ना, अब कैमरे का मूवमेंट ऊपर ले जा नहीं सकते, चलो मेरे पास थोड़ी सी जगह बची है मैं उसको यूज करता हूँ बच्चों, थोड़ी सी जगह बची है उसको यूज कर लेता हूँ, यहाँ यहाँ यूज कर लेता हूँ मैं, यहाँ यूज कर लेता हूँ है ना, देखो 9 पाई बाई 8 क्या हो गया, पाई प्लस पाई बाई 8 यानी 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 10 9 पाई बाई 8 इजिकल टू ये लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 8 बिल्कुल लिख सकता हूँ, 10 9 पाई बाई 8 इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 8, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा 0 होगा, यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो केवल क्या बचा 4, तो आंसर क्या हुआ 4, तो आंसर क्या हुआ बच्चों 4, तो बच्चों मजा आ गया होगा क्वेश्चन का, तो आंसर आया आपका 4, ठीक है, तो आंसर केवल 4 रह गया बच्चों, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया, आंसर रह गया 4। तो बच्चों इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है, इतनी मेहनत पड़ती वीडियो बनाने में, तो लाइक तो आपके लिए वीडियो के लिए बनता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट देके, ठीक है, मोटिवेशन बनाए रखें, फिर मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।